अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद मैं इस मेले पर पहुंचा हूं। दोस्तों मेला शुरू होने वाला है क्योंकि आवाम काफ़ी तादाद में यहां पर पहुंच चुकी है, एक बहुत बड़ा हजूम है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटे के निशान को बिल्कुल नहीं दबाने, क्योंकि नई वीडियो आने वाले वक्त में आपको ज़रूर मशहूर होगी अगर आपने घंटे का निशान दबा दिया। बुज़ुर्गों को पगड़ियाँ बांधकर मेले का आगाज़ कर दिया गया है। खुशी की बात है, अभी कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे मेला। ये हैं वो जिन्होंने यहाँ पर एक खूबसूरत मेला मुनक्किद करवाया है। बैल सादे गट वाला, बैल का नाम तारा। दांद खालिद लोहार वाला, हेड छिताले तो तले आ गया, तले आ गया। बैल खालिद लोहार का हेड छिताले से नीचे दौड़ने वाला। नीचे दौड़ने वाला बैल खालिद लोहार का हेड छिताले से, जबकि इसके मदे मुकाबल दौड़ने वाला सादिक गट का जो कि कस्बा गुजरात से है। खालिद लोहार वाला बैल विनर हो गया, जीत गया। मुबारक हो खालिद। खालिद लोहार वाला बैल विनर हो गया, जीत गया। बैल भाई सदाम कुलाची का नीचे दौड़ने वाला। बैल भाई आबेद गुरमानी का समीने से ऊपर दौड़ने वाला। सदाम कुलाची भाई विनर हो गया, सदाम कुलाची विनर हो गया, जीत गया सदाम कुलाची। जबकि इसके मध्य मुकाबले दौड़ने वाला हजूर बख्श मुंड का ऊपर दौड़ने वाला। हजूर बख्श मुंड का बैल भाई विनर हो गया, हजूर बख्श मुंड का बैल भाई विनर हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो।
डान गुजरात हजूर मोंड दा डान गुजरात खालिद गश्कोरी वाला डान पेड़ दा तलो वाला खान खान मोहम्मद दा डान उते खान मोहम्मद का बैल रेस लेन फट चुका है, वो कहीं और साइड पे चला गया है, जबकि इसके मदे मुकाबल जो कि था खालिद गश्कोरी वाला वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। अब इसकी जीत तस्वर की जाएगी, यानी कि अब इसको जीतता हुआ माना जाएगा। लो जी अब ये जीत चुका है, अब इसको पगड़ी पहनी जा रही है। खान मोहम्मद डान देखा फट गया, इजाज नून वाला और खालिद गुरमानी वाला काफ़ी अच्छे मुकाबले के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। अब यहां पर फैसला करना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि खालिद नून अपना कह रहा है कि मैं जीत चुका हूं, जबकि खालिद गुरमानी वाले अपने बैल का कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। अभी यहां पर दोनों ग्रुप की जानब के पास सिंचाई की जा रही है, पगें बांधी जा रही हैं, अभी फैसले का इंतज़ार है, जबकि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि कौन मानता है, कौन कौन जीता है, कौन नहीं जीता। अभी कुछ देर में इजाज नून वाले को जो है ना पगड़ी बांध दी गई है, जो कि दूसरी जाने में पगड़ी बांध दी जा सकती है। अता मोहम्मद गश्कोरी दा डांद उत्तो वाला डांद दाना कक्की कस्बा गुजरात तो अता मोहम्मद गश्कोरी दा हेड छिताली तो तले वाला डांद तले डांद मंजूर जूते दा हेड हेड छिताली तो तले डांस मंजूर जूते वाला उत्ते डांस खान मोहम्मद गश्कोरी दा चाचा बुग्गी यार थोड़ी जी बुग्गी दे दो चाचा बुग्गी दे दो हट से दोनों बैल बड़ी अच्छी स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं, मुकाबले में आ रहे हैं और मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। फैसला करना मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि दोनों एक ही वक्त पर बराबर में ही पहुंचे हैं। मुझे तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अता मोहम्मद गश्कोरी के बैल से सवार गिर चुका है। अभी इस वक्त दोनों पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, जबकि मेरी नज़र में तो दोनों ही तकरीबन बराबर ही समझे हैं। ज़रा बराबर फर्क तो ज़रूर है, मगर पहुँचे दोनों ही बराबर हैं। मैं चाहता हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिलेंगे, आप मज़ीद वीडियो देख पाएंगे। आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पैगाम भेजकर कोई भी मेला या प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा सकते हैं।